टेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी। सबसे पहले कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड वन क्वांटिटी, थर्ड पहला ले लेते हम सीरियल नंबर, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा रेस्पॉन्स टू पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या इन्वर्जन, नेक्स्ट रेस्पॉन्स टू रिफ्लेक्शन, बाय ए प्लेन। रोटेशन ऑफ एक्सिस से केवल हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर दोनों में हम स्केलर हो या वेक्टर हो, दोनों रोटेशन ऑफ एक्सिस में दोनों के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट चेंज होते हैं लेकिन नेट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो इसलिए उसको यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम केवल रेस्पॉन्स देख रहे हैं इसका, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन के लिए। तो फर्स्ट क्वांटिटी है ट्रू स्केलर। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस टी से। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आता, इनवेरिएंट रहती है ये। रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन में भी इनवेरिएंट रहती है स्केलर क्वांटिटी, ट्रू स्केलर क्वांटिटी। सूडो स्केलर, रिप्रेजेंट करेंगे एस पी से। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये साइन चेंज करती है अपना और रिफ्लेक्शन बाय ये प्लेन में भी साइन चेंज करती। थर्ड वन ट्रू वेक्टर डी टी। यहां पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रू वेक्टर चेंजेस साइन, रिफ्लेक्शन में इनवेरिएंट। सूडो वेक्टर ई पी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रू वेक्टर इनवेरिएंट रहता है और रिफ्लेक्शन बाय प्लेन में चेंजेस साइन। फिफ्थ ट्रू टेंसर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी चेंजेस साइन और रिफ्लेक्शन बाय ये प्लेन में इनवेरिएंट रहेगा। नेक्स्ट इज सूडो टेंसर
एलटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये इनवेरिएंट रहेगा और रिफ्लेक्शन बाई प्लेन में चेंजेस साइन। इस तरीके से एलटी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम मैथमेटिकली आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई क्वांटिटी ट्रू है या स्केलर है। ज्योमेट्रिकली रिफ्लेक्शन से पता लगा सकते हैं और मैथमेटिकली हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू एंड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और ट्रू वेक्टर हैं या स्केलर हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे अब कि उनके ऑपरेशन में क्या क्या रिजल्ट आता है। क्वांटिटीज फॉर देयर मैथमेटिकल ऑपरेशन। नंबर वन, दो सूडो क्वांटिटीज का सम और डिफरेंस सूडो क्वांटिटी होगा। सम और डिफरेंस ऑफ टू सूडो क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज अ ट्रू क्वांटिटी। ऑफ दैट टाइप, यानी इसमें हम ये नहीं कर सकते हमने सूडो स्केलर ले लिया एक सूडो वेक्टर ले लिया, दोनों या तो सूडो स्केलर होंगे या दोनों सूडो वेक्टर होंगे। रिजल्टेंट हमें इसी प्रकार से सूडो स्केलर या सूडो वेक्टर प्राप्त होगा। दूसरा, सम और डिफरेंस ऑफ वन सूडो क्वांटिटी एंड अदर ट्रू क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप इज नॉट डिफाइंड। यानी एक ही प्रकार की हम सूडो क्वांटिटी और ट्रू क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, चाहे वो सूडो हो या स्केलर हो, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी हम एक स्केलर एक वेक्टर चाहे वो किसी भी प्रकार के हो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यदि एक वेक्टर आभासी हो तो रिजल्टेंट वेक्टर
वास्तविक शुद्ध या ट्रू वेक्टर होगा। कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। मान लीजिए at तो हमारा ट्रू वेक्टर है और ये हमारा आभासी सदिश है। जब हम इसको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रू वेक्टर का तो साइन चेंज हो जाता है और आभासी सदिश का कोई साइन चेंज नहीं होगा। हमें मिलेगा माइनस at क्रॉस dp, यानी जो हमने बात में दो वेक्टर लिए थे उसका माइनस साइन आ गया। अर्थ है रिजल्टेंट वेक्टर वास्तविक सदिश है। यदि दोनों वेक्टर वास्तविक या दोनों जुड़े हों तो रिजल्टेंट वेक्टर सूडो वेक्टर होगा। दैट इज ए टी क्रॉस पी टी द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ए कन्वर्ट एज माइनस ए टी क्रॉस would have minus sign, so resultant will have positive sign at cross, that is no change of sign. This is characteristic of true vector, which is characteristics of pseudo vector. इसमें sign change नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब resultant vector आभासी होगा। और दोनों ही अगर हम आभासी ले लें अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इट बिकम्स, आभासी में साइन चेंज नहीं होता, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब इनकम करते हैं एपी क्रॉस बी, दैट इज नो चेंज ऑफ साइन। दोनों ही कंडीशन में हमें आभासी सदिश प्राप्त होगा। ये तो था आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, इन डॉट प्रोडक्ट, क्या दो वेक्टरों के अदिश गुणा में वन यदि दोनों सदिश वास्तविक या दोनों आभासी हों तो हमें शुद्ध या वास्तविक स्केलर प्राप्त होगा।
जैसे कि हम दिखा सकते हैं, अगर दोनों ट्रू हैं, एटी डॉट पी टी अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के साइन चेंज होंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एटी डॉट पी टी में, यानी कि नो साइन चेंज, दैट इज रियल स्केल। ऐसे ही अगर दोनों आभासी सदिश हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, ये साइन चेंज नहीं होंगे और रिजल्टेंट ही हमें रियल स्केलर प्राप्त होगा। यदि एक सदिश आभासी हो तो परिणामी सदिश आभासी होगा, यानी अगर हम एक ट्रू वेक्टर और एक सूडो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें रिजल्टेंट एक सूडो स्केलर प्राप्त होगा, एटी डॉट द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एटी डॉट पी पी, इट गिव्स माइनस ऑफ एटी डॉट पी पी, दैट इज चेंज ऑफ साइन, इट मीन्स सूडो स्केल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इसको सिक्स्थ प्रॉपर्टी ना कहकर हम एक नोट करके लिखते हैं, निर्देशांकों के स्थानांतरण के कारण किसी भी वेक्टर के घटक समान रहते हैं, इसमें केवल मूल बिंदु स्थान बदले परंतु अपना अभिविन्यास ना बदले। इट मीन्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रिमेन सेम अंडर ट्रांसलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट पोजिशन ऑफ ऑरिजिन विल चेंज बट ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल नॉट चेंज।